नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। दो दिन पहले आया तूफान तबाही के निशान छोड़कर चला गया, लेकिन मौसम विभाग की माने तो जानलेवा आंधी तूफान एक बार फिर से लौटने वाला है। दरअसल फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में धूल भरी आंधी और बारिश के अब आसार हैं। यूपी राजस्थान में आंधी तूफान का कहर, तूफान से मृतकों का आंकड़ा 100 के पार, लेकिन सावधान, तबाही अभी बाकी है। ये बुधवार को आए भयंकर तूफान से हुई तबाही की तस्वीरें हैं। मलबे में तब्दील हो चुके हैं मकान, जड़ से उखड़ गए हैं बड़े बड़े पेड़, सड़कों पर गिर गई चमचमाते होर्डिंग। कुदरत के इस प्रचंड रूप ने ऐसा कहर बरपाया कि महज कुछ मिनटों के भीतर यूपी और राजस्थान के कई शहरों में मातम पसर गया। यूपी में जहां मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 74 पहुंच चुका है, वहीं राजस्थान में 38 लोगों की जान तूफान ने ले ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मृत परिवार हैं उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। जो 73 जनहानि हुई है उसमें से 70 लोगों को अभी तक 4 लाख का आर्थिक मदद हम उनको दे चुके हैं। बेशक तबाही तूफान से हुई है, लेकिन राहत कार्य में देरी पर गुस्सा सरकार पर फूट रहा है। भरतपुर में जब सीएम वसुंधरा राजे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची तो उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, क्योंकि तूफान गुजर जाने के बाद भरतपुर में बिजली पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया। बिजली तो खैर आई नहीं रही है, पर पीने के पानी की इतनी किल्लत है, जो बोतल 5 रुपए 10 रुपए की आती थी वो 40 रुपए 50 रुपए में भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये तो गुजरे संकट की कहानी है, असली खतरा तो अभी बाकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ बनने के आसार हैं और इस वजह से तूफान की वापसी का खतरा बना हुआ है। यूपी के गोरखपुर, बलिया, सीतापुर समेत 32 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 5 मई तक यहां तेज बारिश और तूफान का अंदेशा जताया गया है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2-3 दिन तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर पूर्व और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तूफान आने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में अगले 12 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के मुताबिक यहां तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है, लेकिन 7 तारीख से फिर हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ इफेक्ट कर रहा है, तो उसके प्रभाव में 7 तारीख से कुछ डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म होगा और 8 तारीख को हम लोग लाइट रेनफॉल, ड्रिजल एक्टिविटी दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सावधान रहिए, राहत के उपाय रखिए, क्योंकि आपदा के खतरे को बचाव के उपाय से ही कम किया जा सकता है। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। उधर उत्तर प्रदेश में ही एक अलग तरीके का तूफान भी पैदा हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 2 दिन पहले पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ कथित धक्का मुक्की और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर एएमयू के छात्र अब धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों ने कैंपस में घुसकर उत्पात करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। एमयू के इन छात्रों को क्लासरूम में होना चाहिए था, लेकिन कक्षा का बहिष्कार कर छात्र प्रदर्शन करने इकट्ठा हुए हैं। जिन्ना की तस्वीर पर लगातार 4th दिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जंग जारी है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जाती है, तो वही जिन्ना को पहले दी गई। पहले किसी को नहीं पता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग होगा। हमारे स्टूडेंट का अपना संविधान है, स्टूडेंट यूनियन का, हम खुद डिसाइड करेंगे जिन्ना की फोटो हटेगी या नहीं हटेगी। दूसरी बात है, लेकिन जिन्ना की फोटो यहाँ से कतई किसी तौर पर नहीं हट सकती। 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था, जिन्ना का पुतला भी फूंका गया था। आरोप है कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी। इन्हीं सबके विरोध में छात्र धरने पर हैं, आरोपियों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं।
लेकिन अभी आए के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, कुछ होना है और आगे लेके गए मुझे, और कुछ लोग जैसे ही मेरे साथ ही आगे बढ़े, उन्होंने पीछे से एक टोली आती है, ट्रिपलंग टोली आती है और वो पूरे से धरना मारना शुरू कर देते हैं बिना पूछे। मामले की नजाकत को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। जिला प्रशासन ने कैंपस की सारी इंटरनेट सेवाएं कल तक के लिए बंद कर दी हैं। यूपी पुलिस के अलावा आरएएफ की 5 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। अलीगढ़ में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। किंतु इस बैन के दौरान बैंक सर्विसेज और गवर्नमेंट सर्विसेज अनअफेक्टेड रहेंगी। एमयू में जिन्ना की तस्वीर कई सालों से लगी हुई है, लेकिन अचानक इस तरह का विवाद खड़ा होने से एमयू प्रशासन हैरान है। गांधी हमारे आइडियल है, जिन्ना हमारे आइडियल नहीं। जिन्ना जो है दीवार पे टंगे हुए एक इतिहास के पन्ने में है, जो इतिहास का पन्ना काला और सफेद रंग का होता है, एक रंग का नहीं होता। पूरा विवाद अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम की चिट्ठी से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने एएमयू प्रशासन से जिन्ना की तस्वीर पर जवाब मांगा था। इसके बाद आज तक से बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जिन्ना की तस्वीर टांगने पर आपत्ति जताते हुए एएमयू प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। पूजा शाली के साथ अक्रम खान, अलीगढ़ आज तक। और अब बात बीजेपी के घोषणा पत्र की। बीजेपी ने आज कर्नाटक के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के 5-स्टार होटल से चुनावी वादों की झड़ी लगा दी, जिनमें ज्यादातर वही थे जिनका वादा कांग्रेस ने हफ्ते भर पहले किया था। बीजेपी ने बड़े ही तामझाम से बेंगलुरु के 5-सितारा होटल में अपना घोषणा पत्र जारी किया। कर्नाटक में कांग्रेस को चुनौती पेश करने के लिए बीजेपी ने हर उस वादे को अपने घोषणा पत्र में जगह दी जिसे कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया था, फिर चाहे वो किसानों को लुभाने की बात हो या फिर महिलाओं को। कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया। इसके अलावा बीजेपी ने किसानों को 1 लाख तक फसली कर्ज माफी को भी अपने वादे पत्र में जगह दी। सिंचाई को लेकर बीजेपी कांग्रेस से सवा शेर बनने का दावा किया। कांग्रेस ने 1.25 लाख करोड़ की बात की तो बीजेपी ने 1.5 लाख तक की दाल ठोकी। महिलाओं को खुश करने के लिए बीजेपी कांग्रेस से पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस की तरफ बीजेपी ने भी सैनिटरी नैपकिन, महिला रोजगार और महिला सुरक्षा को भी अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से जगह दी। युवाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने कॉलेज जाने वाले 18 से 23 साल के छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन देने का वादा किया, तो भला बीजेपी कैसे पीछे रहती। बीजेपी ने इसमें गरीब महिलाओं को भी जोड़ दिया। रोजगार के मोर्चे पर भी दोनों में कड़ी टक्कर जारी रही। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र 0+0=0 है। 2014 के मोदी फेस्टो और 2018 के येड्डी रेड्डी फेस्टो की कॉपी 0 कॉपी, वो है कर्नाटक की भाजपा का मैनिफेस्टो। कर्नाटक मैनिफेस्टो 2018-2023 कर्नाटक। 27 अप्रैल को जारी अपने 52 पन्नों के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने आधी कीमत पर महिलाओं को स्कूटी देने का वादा किया, तो बीजेपी ने कांग्रेस से इतर गो हत्या रोकने की घोषणा की। आज तक ब्यूरो। एक तरफ बीजेपी पर दलितों के घर भोजन के नाम पर दिखावा करने का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार की शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल का कहना है कि दलितों की खातिर तमाम मंत्री रात्रि प्रवास में मच्छर से खुद को कटवा रहे हैं। उधर बीजेपी के दलित संपर्क अभियान की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। दलितों को मुख्य धारा में लाने के नाम पर चल रही सियासत की ये सबसे ताजा तस्वीर है। बिहार के बेगूसराय के निसहरा गांव की महादलित बस्ती में केंद्रीय मंत्री एसएस अहलुवालिया बीजेपी के दर्जनों मंत्रियों के साथ दलित के घर भोजन कर रहे हैं। रात्रि विश्राम से पूर्व अहलुवालिया ने दलित परिवार को उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे का कनेक्शन और चूल्हा सौंपा। इस दौरान मंत्री महादलितों को प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाकर बताते रहे कि ये सब पीएम मोदी ने आपके लिए भेजा। सवाल उठता है कि अहलुवालिया दलितों को मुख्य धारा में जोड़ने के इरादे से वहां पहुंचे थे या फिर बीजेपी का प्रचार करना। ग्राम स्वराज योजना के तहत दलितों के घर मंत्रियों के भोजन का सिलसिला यूपी से शुरू हुआ था। योगी के बाद कई मंत्रियों ने दलितों के घर खाना खाया।
कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दलित के घर दाल रोटी खाई। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई कि मंत्री सुरेश राणा ने बाहर से खाना मंगवाकर दलित के घर खाना खाया था तो विवाद खड़ा हो गया। खुद बीजेपी के भीतर इसका विरोध शुरू हो गया। हमारा अनुसूचित जात, हमारी पिछड़ी जात, हमारी जनजात, हमारे आदिवासी समाज, हमारी महिलाओं की जो दशा है वो भरपेट भोजन नहीं है, उनकी उसकी चिंता करना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि आज अनुसूचित जाति के घर खाना खा करके पूरे देश के अनुसूचित जाति का अपमान किया जा रहा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भी दलितों के घर इस तरह भोजन करने के तरीके से सहमत नहीं, लेकिन यूपी की मंत्री अलग ही अंदाज में इसका बचाव कर रही हैं। कि वो बाहर से खाना मंगा के उनके घर में खाते हैं। हमारा ये कहना है कि जो दलित खाता है वो खाकर दिखाएंगे। दलितों वंचितों पिछड़ों के उत्थान के लिए बनी है, महिलाओं के लिए भी नहीं, नौजवानों के लिए बनी है, गरीबों को लाभ हो, किसानों को लाभ हो। आज इसके लिए सरकार के मंत्री जा के रात भर मच्छर काट रहे हैं और जा रहा है और सबसे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। देश की सियासत में नेता दलितों को हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे। बीजेपी नेताओं के ताजा तौर तरीकों से कुछ ऐसा ही संदेश जा रहा है। आज तक ब्यूरो, आप देख रहे हैं इंडिया 360 खबर। आपको दिखाते हैं राजस्थान से, सबका साथ सबका विकास, ये नारा है बीजेपी का। पिछले 4 सालों से विकास के ही इर्द गिर्द देश की चुनावी राजनीति चल रही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में एक गांव ऐसा भी है जहां विकास ना होने की वजह से पिछले 22 साल से वहां एक भी युवक युवती की शादी ही नहीं हुई। राजस्थान के इस गांव में 22 साल बाद शादी के गीत गूंज रहे हैं। 2 दशक बाद यहां का कोई लड़का दुल्हन लेकर आया है। इस गांव में लाइट नहीं है, रोड नहीं है, ऐसे पानी की व्यवस्था भी नहीं है, चले जाने की रास्ता भी बहुत खराब है। इस चक्कर में काम पिछड़ा हुआ है, 20 साल बाद शादी हुई है। राजस्थान के धौलपुर जिले का राजघाट गांव जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन विकास की रोशनी से सैकड़ों साल दूर। 40 घर के गांव में 300 लोगों की आबादी है, लेकिन यहां ना तो बिजली है और ना पानी और ना ही सड़क। गांव का एकमात्र हैंडपंप खारा पानी उगलता है। यही वजह है कि इस गांव में ना कोई लड़की ब्याहना चाहता है, ना ही यहां की लड़की से शादी करना चाहता है। गांव में आखिरी शादी 1996 में हुई थी, जबकि 100 के करीब युवक युवतियां शादी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा है नहीं यहाँ पे, तो लड़कियों की शादी करवे जाती है तो बीवी नहीं करती। ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ तो देश बदल रहा है का नारा गूंज रहा है और दूसरी तरफ एक गांव ऐसा भी जहां विकास ना होने की वजह से कोई शादी तक नहीं करना चाहता। उमेश मिश्रा, धौलपुर, आज तक। इंडिया 360 में अब एक खबर देहरादून से जो आपका सर शर्म से झुका देगी। एक भाई को देहरादून में अपने छोटे भाई का शव कंधे पर लेकर दर दर भटकना पड़ा। वजह थी वही, सरकारी एम्बुलेंस उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। पीड़ित शख्स ने अस्पताल में गुहार भी लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। 45 मिनट तक पीड़ित इधर उधर घूमता रहा। सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स अपने भाई के शव को कंधे पर लेकर जा रहा है। मामला सामने आने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने जानकारी नहीं होने का हवाला दिया। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस घटना पर दुख जताते हुए तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए। लखनऊ में बीती रात बेलगाम रफ्तार का कहर देखा गया। यहां ऑडी कार ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जब बेलगाम रफ्तार और नशे का कॉकटेल हो तो नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। लखनऊ के निषादगंज इलाके में गुरुवार रात सफेद रंग की इस ऑडी कार ने टक्कर मारकर ऑटो के परखच्चे उड़ा दिए। ऑटो में 4 महिलाएं समेत 5 लोग सवार थे। 5ों घर पहुंचने की जगह बुरी तरह जख्मी होकर ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। सर, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। मतलब हम सामने से ऑडी आ रही थी, इधर से 2 ऑटो जा रहे थे, तो वही अपन टकरा गई, हम लोग भागे।
चश्मदीदों के मुताबिक ऑडी चला रहा शख्स नशे में धुत था और उसने रॉन्ग साइड जाकर ऑटो में टक्कर मारी। कार में सचिवालय का स्टिकर भी लगा हुआ है। राजीव कुमार, लखनऊ आज तक। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही, पर आपको याद दिला दे, देश और दुनिया की खबरों पर रखिए पैनी नजर। डाउनलोड कीजिए आज तक का ऐप या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.aajtak.in। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।